नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। उत्तर प्रदेश प्रादेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की बैठक जिला अध्यक्ष चंदन मिश्रा की अध्यक्षता में गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिला अध्यक्ष चंदन मिश्रा ने बताया कि शासन स्तर पर चल रही पैरवी के बारे में सभी कर्मचारियों को बताया गया कि ऐसे कर्मी जिनके नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे से अनुचर पद पर हो गई है, उन्हें जल्द ही शिक्षक पद पर समायोजित किया जाएगा। पूर्व में शासनादेश की अनदेखी करते हुए हम सभी को इस पद पर तैनात कर दिया गया है। आज बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा का कोई महत्व दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं पीएचडी, एमटेक, एमकॉम, बीकॉम, बीएड जैसी योग्यता रखते हैं, उन्हें भी इस विभाग में अनुचर के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास दिलाया गया है कि जल्द ही हम सभी का योगदान शिक्षक के पद पर प्रमोशन एवं संयोजन किया जाएगा। हम सभी अपने साथ साथ लाखों लाख शिक्षक समाज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पालियों का भविष्य संरक्षित कर रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश प्रादेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के जिला सचिव सुरेश राय, संगठन मंत्री आनंद मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राम प्रकाश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षकेतर संघ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष चंदन मिश्रा ने कहा, आज ये बैठक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित के तहत अनुचर के पद पर कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के विषय में और हमारे प्रदेश में जो प्रस्ताव बनाया गया है उस संबंध में किया गया। इस बैठक में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार से हम अपने कर्मचारियों को एकजुट और एकमत कर पाए और प्रदेश में जो सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है कि हम लोगों को समायोजित करके शिक्षक पद पर समायोजित किया जाएगा, उस विषय में चर्चाएं हुई हैं तथा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। जी, हमारा नाम चंदन मिश्रा है, जिला अध्यक्ष मित्र।